सर सबिन सिंह, अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जलवायु परिवर्तन के कारकों या सिद्धांतों के अंतर्गत एटमॉस्फेरिक डस्ट हाइपोथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड थ्योरी की विवेचना करेंगे। एटमॉस्फेरिक डस्ट पार्टिकल्स के अंतर्गत हम ठोस कणकीय पदार्थों जैसे धूल के कण, नमक के कण, पराग के कण, ज्वालामुखी धूल और राख तथा एरोसॉल को सम्मिलित करते हैं। अंडर द कैटेगरी ऑफ एटमॉस्फेरिक डस्ट वी इंक्लूड द सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर लाइक डस्ट पार्टिकल्स, साल्ट पार्टिकल्स, पोलेन, वल्केनिक एसिड्स एंड सूट्स एंड एरोसॉल्स। हमें जानते हैं कि वायुमंडल में ठोस कणकीय पदार्थ निलंबित रहते हैं, लटके रहते हैं। दिस सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर्स विच वी कॉल SPM आर केप्ट इन सस्पेंशन इन द लोअर एटमॉस्फेयर और सूर्य से आने वाली लघु तरंग विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंगों के कुछ भाग का ये ठोस कणकीय पदार्थ प्रकीर्णन, अवशोषण और परावर्तन कर देते हैं। दीस सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर्स इन द एटमॉस्फेयर स्कैटर, एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट सम पोर्शन ऑफ इंसिडेंट इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, जिनमें से एक अनुमान के अनुसार 23% ऊष्मा ऊर्जा का प्रकीर्णन हो जाता है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट अबाउट 23% ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज स्कैटर्ड, ऑफ विच 6% इज सेंट बैक टू स्पेस एंड 17% रीचेस द अर्थ सरफेस एज डिफ्यूज डे लाइट। तो इस प्रवेशी सौरिक विकिरण ऊर्जा का 6% भाग तो प्रकीर्णन द्वारा शून्य में वापस लौटा दिया जाता है और 17% भाग विसरित दिवा प्रकाश के रूप में, डिफ्यूज डे लाइट के रूप में धरातल पर पहुंचता है। तो ये जब डस्ट पार्टिकल्स जो है वायुमंडल में अधिक हो जाते हैं तो एक पृथ्वी के चारों तरफ एक मोटी धूल की चादर बन जाती है जो सौरिक विकिरण तरंगों का या तो परावर्तन कर देती है या कुछ भाग का अवशोषण कर लेती है और पृथ्वी से जो बहिर्गामी पार्थिव विकिरण होता है उनका या तो उनको वापस जो है धरातल पर भेज देती है और ज्यादातर सौरिक विकिरण तरंगे धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं, अंधेरा छा जाता है और तापमान में गिरावट हो जाती है और शीत पर्यावरण का सूत्रपात होता है। दीस दी वेल्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स अराउंड दी अर्थ स्कैटर, एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट सम पोर्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी एंड दे स्टॉप द सोलर रेडिएशन वेव्स रीचिंग दी अर्थ सरफेस एंड दे री रेडिएट द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन टुवर्ड्स द अर्थ एंड देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड कूल एनवायरमेंट सेट्स इन। एक उदाहरण लेते हैं, 27 अगस्त 1883 में जावा और सुमात्रा के बीच सुंडाल जल डमरू मध्य में स्थित क्राकाटाओ द्वीप पर एक विस्फोटक ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ था। देयर वॉज अ वायलेंट वॉल्केनिक इरप्शन
ऑन द आइलैंड ऑफ क्राकाटाओ सिचुएटेड इन सुंडा स्ट्रेट बिटवीन जावा एंड सुमात्रा ऑन 27th of August 1883, जिससे 100 मिलियन टन्स ज्वालामुखी पदार्थों का वायुमंडल में उत्सर्जन हुआ था और 70,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ज्वालामुखी से उत्सर्जित ज्वालामुखी धूल आदि का बिखराव हो गया था। About 100 million tons of fragmental materials were ejected as high as up to 32 kilometers in up to the middle of stratosphere, and the volcanic materials were spread over an area of 70,000 square kilometers. और उत्सर्जित पदार्थों का जो पूरा वॉल्यूम था वो 20 से 53 क्यूबिक किलोमीटर था। इसका नतीजा क्या हुआ कि पृथ्वी के चारों तरफ ज्वालामुखी धूल और राख की एक मोटी परत छा गई, जिस कारण सौरिक विकिरण तरंगों धरातल तक बहुत कम पहुंच पाई और धरातल से होने वाले विकिरण का भी पुनर्विकिरण धरातल की तरफ हो गया। Consequently, a thick veil of volcanic dust and ashes were formed around the earth, which obstructed some portion of incident solar energy reaching the earth's surface. There was a complete darkness for many days together. With the result, the receipt of solar insulation on the earth's surface decreased by 10 to 20%। इस तरह से पृथ्वी के धरातल पर सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा ऊर्जा में 10 से 20% की कमी हो गई और ये माहौल 1884 से 1886 तक बना रहा, 2 वर्षों तक, और धरातली तापमान में बड़े पैमाने पर गिरावट हुई। आशय यह है कि जब विश्व स्तर पर बृहद ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, तो वायुमंडल में काफी धूल के कण, ज्वालामुखी धूल, ज्वालामुखी राख, ज्वालामुखी डस्ट पार्टिकल्स, कणकीय पदार्थ वायुमंडल में बिखर जाते हैं, जिस कारण धरातल पर सूर्यातप की मात्रा कम हो जाती है और एक शीत पर्यावरण का सूत्रपात होता है। अब हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड थ्योरी। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सर्व प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, जिसका फंक्शन ये होता है कि सूर्य से आने वाली विकिरण तरंगों के लिए तो ये पारदर्शक होती है, लेकिन पृथ्वी से होने वाला बहिर्गामी जो पार्थिव विकिरण होता है उसका यह अवशोषण कर लेती है और कुछ भाग का पृथ्वी की ओर पुनः विकिरण कर देती है। एज वी नो, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस विच अलाउज द सोलर रेडिएशन टू रीच द अर्थ सरफेस विदाउट एनी hindrance, but it absorbs the outgoing terrestrial radiation and it re-radiates some portion of outgoing radiation towards the earth. With the result, there is a warming impact of carbon dioxide on the earth's surface and the lower atmosphere. इस तरह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सांद्रण के कारण धरातल पर गर्माहट उत्पन्न होती है, जो भूमंडलीय ऊष्मन में काफी मदद करता है। दस कार दी हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। 1750 ईस्वी से औद्योगिक क्रांति होती है,
उस समय वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सांद्रण 280 से 290 पीपीएम था। पीपीएम मींस पार्ट पर मिलियन। द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाज 280 टू 290 पीपीएम एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन 1750। लेकिन मानवीय स्रोतों के द्वारा यह जो खनिज जो ईंधन है, जैसे कोयला, मिट्टी का तेल, मिनरल ऑयल, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के जलाने के कारण निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि होती गई, जो 1998 में बढ़ करके 350 टू 360 पीपीएम हो गई। द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज टू 350 टू 360 पीपीएम ड्यू टू इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। और इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक यूएनओ की संस्था है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, जो प्रति 4 वर्षों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसके अनुसार वर्तमान समय में कम से कम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण 400 पीपीएम तक पहुंच गया है। कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण के द्वारा वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि को लेकर के कई मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे स्नाइडर मॉडल, स्नाइडर का मॉडल, जनरल सर्कुलेशन मॉडल, सामान्य परिसंचरण मॉडल, एटमॉस्फेरिक ओशनिक सर्कुलेशन मॉडल इत्यादि, जिसमें सभी मॉडलों ने ये जताया है, ये इंगित किया है, बताया है कि अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के वर्तमान सांद्रण की वृद्धि की दर को अगर कम न किया गया, रोका न गया, तो आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग होगी और जलवायु में भारी परिवर्तन हो जाएगा, जिस कारण ये जो हिमटोपियां हैं, हिम की परतें हैं, ग्लेशियर हैं, जैसे आर्कटिक आइस सीट, आर्कटिक आइस कैप्स, द ग्लेशियर एंड आइस सीट्स ऑफ ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका, परमाफ्रॉस्ट साइबेरिया के पहाड़ी क्षेत्रों, खासकर जैसे हिमालय आल्प्स के ग्लेशियर का पिघलाव हो जाएगा, जिससे समुद्र तल में वृद्धि होगी और जो छोटे छोटे द्वीप हैं और तटीय क्षेत्र हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे, समुद्र में समा जाएंगे और इस तरह से मानव समाज को काफी क्षति होगी। इस संदर्भ में हमारे यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्लाइमेट चेंज को लेकर के कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, समझौते होते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई इस पर सहमति नहीं बन पाई है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता हुआ सांद्रण जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा संकेतक है।